तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है, अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप कंप्यूटर है और आपने अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में जिसमें विंडोज 10 पड़ा हुआ है, आपने साइन पासवर्ड लगा रखा है और आप एक ही पासवर्ड को काफी सालों से, काफी महीनों से डाल डाल के बोर हो चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में साइलेंट पासवर्ड को कैसे रिमूव करें और नॉर्मली लैपटॉप जैसे ओपन होता है उसको किस तरीके से ओपन करें। तो दोस्तों, मेरे चैनल बने रहिए क्योंकि मैं इस तरीके से टेक्निकल वीडियोस डेली एक न एक लेकर के आता रहता हूँ आपके लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो ले चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर और दिखाते हैं किस तरीके से उस साइलेंट पासवर्ड को रिमूव करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम अपना लैपटॉप ऑन करने जा रहे हैं तो होता क्या है, जब हम अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो हमारी ये लैपटॉप ऑन करते पहले तो हमारी ये स्क्रीन आती है और स्क्रीन आने के बाद दोस्तों क्या होता है कि हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद हमसे मांगता है पासवर्ड, चूँकि हमने अपने पास लैपटॉप पर पासवर्ड लगा रखा है तो कुछ इस तरीके से पासवर्ड मांगता है। जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे हम अपने लैपटॉप के अंदर लॉगिन नहीं होंगे और लैपटॉप अपना खोल नहीं पाएंगे जिससे हमें अपना काम करना है। तो दोस्तों, हमको आज इस वीडियो में इसी पासवर्ड को रिमूव करने के लिए हमने आज ये वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आप भी अपने लैपटॉप में परेशान हो चुके हैं बार बार पासवर्ड डालते डालते, तो आप चाहते हैं कि नॉर्मली इस तरीके से आपका लैपटॉप ओपन हो। तो दोस्तों, चलिए लैपटॉप में क्या ऐसी सेटिंग है आपको हम बताएंगे अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, करना क्या है, रन में जाना है सर्च बार में, यहाँ पे डालना है आपको सेटिंग, ठीक है। सेटिंग डालने के बाद सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा आपका विंडो 10 का। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है पासवर्ड, सर्च बार में यहाँ पे डालना है पासवर्ड और नीचे आ जाएगा चेंज योर पासवर्ड, इस पर क्लिक कर देना है चेंज योर पासवर्ड पे। जब पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड के नीचे एक बटन है चेंज का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर दोस्तों जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका करंट पासवर्ड मांगेगा जो आपने पासवर्ड अभी फिलहाल लगा रखा है। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कोई भी पासवर्ड नहीं डालना है, नेक्स्ट करना है, अब इसको कर देना है फिनिश। दोस्तों, आपको बस इतना ही करना है और आपके विंडो से, विंडो 10 से अब आपका साइन पासवर्ड रिमूव हो चुका है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं अपने इस लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट करके, ठीक है। अगर ऐसे ना ओपन हो रहा हो तो आप रीस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो अपने लैपटॉप को चलिए हम रीस्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं, जैसा कि हमने सेटिंग कर दिया है अपने साइन पासवर्ड को हटाने के लिए, अभी हमको पता चल जाएगा कि हमने जो साइन पासवर्ड हटा है कि नहीं हटा है। तो इसके लिए हम लैपटॉप या अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप में भी यही सेम प्रोसेस है, चाहे आपके पास लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, प्रोसेस सेम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी मेहनत थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपकी एक लाइक से। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर दिया है, ठीक है। लैपटॉप को रिस्टार्ट करने पे जब रिस्टार्ट हो जाएगा तो अब हमसे ये साइन पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। चूँकि मेरा लैपटॉप थोड़ा पुराना दोस्तों, तो थोड़ा टाइम ले रहा है रिस्टार्ट होने में, ठीक है। तो अभी प्लीज़ वेट करने के लिए कह रहा आप इंतज़ार करें, तो इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो ये भी ऑन हो चुका है, वेलकम इरशाद। कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो थोड़ा सा समय लेता है, पाँच से दस मिनट लेता है। किसी किसी लैपटॉप में 2 मिनट में लेता है, किसी किसी में 3 मिनट में। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी सारी वीडियो देखते रहिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो दोस्तों, हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है, ये देखिए, और हमसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा, नॉर्मली ओपन हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।